नगर अलकनंदा नदी के तट पर धारी देवी का मंदिर स्थित है और के समय में माँ धारी देवी कन्या के रूप में और दिन की। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार में प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्मेश्वर घाटी में और अपनी मध्मेश्वर के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो एक ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं सुबह सुबह रेडी हो रही हूँ माँ धारी देवी जी के दर्शन करने के लिए और टाइटल थंबनेल से तो आप सभी लोगों ने आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आप सभी लोगों को पहले मैं धारी माता जी की विशेषता बताती हूँ, धारी देवी माँ की विशेषता बताती हूँ। धारी देवी मंदिर जो है श्रीनगर में है और श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर धारी देवी का मंदिर स्थित है। सुबह के समय में माँ धारी देवी कन्या के रूप में और दिन के टाइम पर माँ महिला के रूप में और जैसे ही शाम होती है उस टाइम माँ की मूर्ति एक बुजुर्ग अवस्था में चली जाती है। तो ये मानना कहा जाता है कि माँ एक दिन में तीन बार अपने रूप बदलती है और धारी देवी में माँ काली का पूरा रूप नहीं है। मुख का जो भाग है वो श्रीनगर में पाया जाता है माँ धारी देवी के मंदिर में, जो और दूसरा शरीर है वो कालीमठ में पाया जाता है। तो ऐसी कुछ विशेषताएँ हैं जो हमने सुनी है और आज चल रहे हम धारी देवी की ही तरफ। तो आप सभी लोगों को भी ले जा चलती हूँ आज धारी देवी की तरफ श्रीनगर में। तो पहले तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है सब पर माँ धारी देवी की कृपा बनी रहे, आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो मिलते हैं आपको, अभी मैं बस में जाएंगे, मैं और अलका जाएंगे, तो आपको मिलते हैं अभी। दोस्तों प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप सुनाओ आप कैसे हैं? आज सुबह सुबह आरती धारी देवी जाने की तैयारी कर रही है। धारे की देवी जाने की तैयारी हो रही है आरती की और आपकी यात्रा आरती मंगलमय हो। आप भी घूमना और आप अपने दोस्तों को भी घुमाना है। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, बैकग्राउंड में कॉपीराइट सॉन्ग चल रहा है तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे और अलका को दोनों को विंडो सीट चाहिए तो अलग अलग सीट पे बैठ गए। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धारी देवी और रास्ते में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत खराब होती है मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा। ये रही हमारी अलका मैडम। तो ये धारी देवी का गेट, यहाँ पर से हमने सामान भी ले लिया है, अब चलते हैं नीचे मंदिर में। तो फाइनली अब यहाँ पर नीचे पे देख सकते हो आप माँ धारी देवी का मंदिर है। तो थोड़ा सा चलना है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी हम नीचे की साइड चल ही रहे हैं। और अलका मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही भाई, जो बस श्रीनगर तक आई है, श्रीनगर से धारी देवी आ गई है। अलका का फर्स्ट टाइम, अलका फर्स्ट टाइम मैडम, बट मैं वैसे दो तीन बार आ चुकी हूँ। अभी देखो नीचे मंदिर है हमारा, चलते हैं अभी। तो दोस्तों जब मैं पहले आई थी उस टाइम पर ये नहीं बना रखा था मतलब ऊपर से, अभी ये चीज़ें बन चुकी हैं। तो काफ़ी लोगों को जब धूप और बारिश से बचाव हो जाता होगा, यहाँ से नीचे तक बना रहा है। और हमारा धारी देवी मंदिर देखो दिख रहा है, तो सभी बोलिए जय माँ धारी देवी। तो दोस्तों जूते यहाँ निकाल दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जूते निकालने वाला पाँव हाथ धोने चाहिए। तो ये देखो हमारा प्यारा सा माँ धारी देवी का मंदिर। तो ये राम धारी देवी का मंदिर। दोस्तों माँ धारी देवी के अंदर हमने दर्शन कर लिए, पर अंदर फोटो वीडियोग्राफी मनाया तो जैसे हर मंदिरों में होता ही है तो यहाँ भी मनाया। और अभी तैयारी कर रही है अंदर तैयारी कर रही है, अभी यहाँ से वोटिंग वाला गया ना इसलिए वो देख रही है।
दर्शन तो कर लिए और मंदिर के पीछे का साइड ये है, यहाँ मतलब प्रवेश द्वार इधर से, यहाँ से निकलती हूँ यहाँ से इधर वापस, तो इधर से दर्शन करते हम इधर आ गए हैं अब। और वैसे यहाँ चेंज हो गया, पहले मतलब पहले अलग था और धारी देवी बिल्कुल चेंज हो गया। मंदिरों में जाके ना शांति बहुत मिलती है, मन शांत हो जाता है। तो कभी भी आप उदास हो तो मंदिरों में ज़रूर आना, मन को एक शांति सी मिलती है अलग सी। तो अभी ये पुल है, ये हिल भी रहा है, यो 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 हिल रहा है इनका। तो दोस्तों यहाँ देखो घोड़े की सवारी भी हो रही है साथ साथ, और उधर देखो क्या मस्त करके बोट में सब आनंद ले रहे हैं। तो ये रहा हमारी माँ धारी देवी जी का मंदिर। उनका हाथ मत लगा उस पे, अरे मत लगा हाथ, किसी का पालतू पालतू नहीं तू ना उसने क्या हो हाथ में आ रहा है? नहीं पता नहीं, मैंने देखा नहीं, ट्राई नहीं किया। पानी में जा रहा है। कौन गया? इधर है। कौन कौन गया? नहीं आ रहा हाथ में। अभी इसको पकड़ के पकड़। तो दोस्तों जो प्यारा सा जीव है इसका नाम क्या है बताना मुझे, ठीक है? कैसे लगा मैडम आपको? मुझे लगी नहीं, अभी क्या बोल रही थी, जल्दी बोल, कड़े लगी दर्शन तेरी, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया एकदम गदगद। तो प्रसाद के तौर पे यहाँ पे मालाएं ले जा रहे हैं हम, प्यारी प्यारी मालाएं हैं। तो जब तक यहाँ ऊपर मंदिर में न जाए अघोरनाथ धर्म रात के मंदिर में, तब तक कहते हैं कि दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो अभी दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और 4 बजने वाले हैं, तो अभी हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। कोई काफ़ी टाइम लगे क्योंकि गाड़ी में भी सवारी नहीं हुई थी, बहुत लेट हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो इस ब्लॉग को यहीं तक आए, आपने आज इंजॉय किया होगा। तो जय माँ धारी देवी, बाय बाय।